इम्तियाज आलम की रिपोर्ट। केतार प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मुकुंदपुर पंचायत के बक्सीपुर हरिजन टोला के ग्रामीणों ने जर्जर सड़क से निजात के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि एक दशक पहले इस बस्ती में पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी के द्वारा ग्रेड वन मोरम मिट्टी सड़क बनवाया गया था, जिसके बाद यहाँ के मुखिया जिला परिषद विधायक के द्वारा इस टोले में कोई विकास कार्य नहीं किया गया, जो आज के समय में सड़क जैसे जन सुविधाएं काफी जर्जर हो गया है। क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि को लगातार अवगत कराने के बाद भी कोई पहल नहीं किया गया, पर आज पंचायत चुनाव की सुख बुगाहट होते ही नेताओं ने एक से एक घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों से अपने पक्ष में मतदान करने की बात कह रहे हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में उन नेताओं के प्रति काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मौके पर प्रेमलाल गुप्ता, रामकरण राम, आदित्य राम, प्रभा देवी, प्रेमलाल गुप्ता, प्रमोद राम, बद्री राम, रीता देवी सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। क्या समस्या है? समस्या है कि देखिए, रोड के लिए बहुत इधर हंगामा मच रहा है, ठीक है। रोड में अपना बहुत पत्थर निकल गया है। रोड के देख रहे हैं कि आज बनले कम से कम 15 से 20 साल हो गया, ठीक है। अब अभी तक कितना मुखिया बने, कितना जिला परिषद बने, कितना BDC बने, कितना अधिकारी आए, सभी के पास एप्लीकेशन हम लोग दे दिए चुके हैं, और वो लोग कोई समस्या का हल अभी तक हम लोग के किया नहीं। हम लोग दौड़ते कूदते थक गए, अब असमर्थ हो गए हम लोग। घरे आप लोग बैठ गए अपना। अभी जब चुनाव आया, सबको यहाँ जोड़ के वोट मांगने के लिए दौड़ रहा है। हम लोग के पर्सनली यही है, जो आते हैं उसको कहते हैं कि हम लोग वोट दे के करेंगे ही क्या, जो कि हम लोग के नाम निशाना है नहीं। हम लोग के कोई चिंता नहीं है, पहचानता नहीं है। जब मनुष्य घर हम लोग जन्म लिए हैं, तभी तो आप लोग आ रहे हैं। अब हम लोग जंगल में हैं कि मतलब धरती पर हैं तो हम लोग का रोड क्यों नहीं बन रहा है? वो लोग कहते हैं कि बनेगा, अभी तक नहीं बना, जो कि अगला भी इलेक्शन में मुखिया जी बात किए थे और दिए थे कि हो जाए। अच्छा, घर बसिंगपुर जी, क्या समस्या है? समस्या बहुत है कि रोड नहीं बन रहा है जी। और कि आप लोग कोई जनप्रतिनिधि से बोले कि ये रोड नहीं, रोड बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, सब कह रहे हैं कि बनाना चाहिए, रोड बनेगा, कोई नहीं बनाएगा, कोई नहीं बना रहा है। अच्छा, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मुखिया या ये कोई भी सब मुखिया कह रहे हैं कि बनेगा। अच्छा, तो वो नहीं बन रहे हैं। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ सड़क बनना चाहिए। हाँ ठीक, बनना चाहिए। घर सिंहपुर, हमारे यहाँ समस्या मुखिया से लेके BDC, विधायक, जिला परिषद, ये मामला रोड के लिए सबके पास गया, लेकिन रोड बना नहीं। और फिर वोट मांगने का समय आ गया, सब अपना अपना जाल फेंक रहे हैं। और इसके पहले जब चुनाव का घोषणा हुआ था, तो शानमती देवी मुखिया उम्मीदवार हम लोग थे। आज वो धरती पर नहीं रही। आज मुखिया उम्मीदवार के लिए जब पुरुष सीट हुआ, तब प्रेमलाल गुप्ता भी मुखिया उम्मीदवार अपना नाम सामने ला रहा है। और विकास के लिए कुछ भी विकास नहीं हुआ, इसके कारण में जनता जो है सो आक्रोशित है। और इसका संशोधन करने के लिए सरकार से मांग करे कि रोड बने। यहाँ पर किसी तरह के कोई विकास नहीं हुआ है, जिसके चलते रोड का स्थिति जर्जर है, और भी एक लाइट बिजली बत्ती भी कुछ नहीं है। ठीक है।